तो हे गाइस, हम पहुंच चुके हैं इस समय अयोध्या धाम और अयोध्या धाम स्टेशन पे। और देखिए यहाँ का कुछ व्यू ऐसे दिख रहा है, काफी मस्त व्यू। और अरे यार, तो हम लोग साथ साथ में भी यही रात बरेली एक्सप्रेस से उतरे हुए हैं और चल रहे हैं। अब थोड़ा टहलेंगे, तो है रात को बज रहा है लगभग, देखिए 1:39 हो रहा है और पहुंचे हैं अयोध्या धाम कैंट जिधर हम जंक्शन पे। और यहाँ से चल रहे हैं हम लोग बाहर की तरफ, तो आपको वीडियो शूट करके दिखाते हैं अभी। तो यहाँ से देखिए, इसी ट्रेन से हम आए थे, अभी ये ट्रेन निकल गई यहाँ से। तो अभी रात्रि का भी हुआ दोस्तों, काफी मस्त लग रहा है। और यहाँ से देखिए एकदम जंक्शन पे बहुत ज्यादा भीड़ भी है, तो आपको दिखाते हैं प्रतीक्षालय में ले चलते हैं। हम लोग आए थे गेट नंबर 11 पे, लेकिन यहाँ से प्रवेश वर्जित है, कह रहे हैं पीछे से आइए। और देखिए सब लोग यहीं पे खड़े हुए हैं, सब लोग लौट कर उस साइड से आएंगे। तो चलते हैं, देखते हैं पीछे से कहाँ से आना है। और तो आप लोग लाग बने रहिए। और देखिए प्रतीक्षालय काफी मस्त एकदम बना हुआ है दोस्तों। नहीं ठीक, उसका भी कहना सही है, जब वो गेट पे खड़ा है तो उनका भी कहना सही है भाई, उनकी ड्यूटी है वही। तो वहाँ शायद काट रहे चला पीछे, तो उनकी ड्यूटी है तो पीछे से आने के लिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं, पीछे से आते हैं। रात्रि में दोस्तों अभी देखिए रात्रि में अभी लगाई थे, तो रात में बज रहा है लगभग 1:41 हो गया। इतनी रात को हम लोग ब्लॉग शूट कर रहे हैं अपना। ये देखिए इधर 8 गेट, सब गेट यहाँ का टूल बंद है, तो उस साइड से घूम कर आना होगा प्रतीक्षालय में। चलिए आप लोग चलते हैं और देखते रहिए, अभी दिखाते हैं आपको। तो प्लेटफार्म नंबर 1 है, यहाँ पर देखिए खाने और पीने की व्यवस्था के लिए पूरा कैंटीन लगाया गया है। तो बाबा लड़ने आ गए थे, लेकिन चलिए आपको भी दिखाते हैं यहाँ से। तो यहाँ का कुछ भी वैसा दिख रहा है। तो हम लोग चल रहे हैं इस गेट से बाहर की तरफ। ये है यहाँ से जाने बाहर जाने का रास्ता। यहाँ से बाहर जाने का रास्ता पूरा है। ऊपर गेट, इधर देखिए सब गेट बना है, अब बाहर जाने का रास्ता। यहाँ का कुछ भी दोस्तों ऐसा दिख रहा है, काफी मस्त व्यू। और वो दिखा दे नो है ना, ये लिया। तो यहाँ से कुछ ऐसा व्यू दिख रहा है अयोध्या दर्शन धाम का। रुका यार, तो देखिए यहाँ पर हम अयोध्या जंक्शन पे पहुंच ही चुके हैं। तो दोस्तों ये एकदम बहुत सुंदर सा व्यू दिख रहा है। और चलिए, और ये निकल जाएगा बाहर की तरफ रास्ता, लेकिन यहाँ से देखने के लिए काफी मस्त व्यू आपको देखने को मिलेगा। ये है मेन द्वार दोस्तों, यहाँ से निकलने के लिए बाहर। और यहाँ पर देखिए लगी है सब ट्रेनों का पूरा पता। तो हम चलते हैं इसके अंदर, जो यहाँ प्रतीक्षालय बना है, विश्रामालय बना है, तो काफी मस्त दोस्तों दिख रहा है। तो हमारे तरफ से हम चलते हैं विश्रामालय में। तो यहाँ से यही इधर है। तो यहाँ दोस्तों काफी मस्त व्यू आ रहा है और सब लोग अंदर जाने के लिए उत्सुक है, तो हम भी चलते हैं। तो यहाँ से कुछ ऐसा दिख रहा है इसका लुक दोस्तों, यहाँ से रात्रि का सीन। तो चलिए आप लोग ब्लॉग बन रही है, चलते हैं दिखाते हैं आपको भी यहाँ से अंदर का सीन। कुछ दोस्तों यहाँ पर है, सब लोग अपना सोए हुए हैं, तो रात्रि का सीन काफी अच्छा है यहाँ पर अंदर जाने के लिए। तो चलिए अभी रात में टहलने के लिए आपको व्यू। तो रात्रि का कुछ सीन दोस्तों ऐसे है, आप देख रहे हैं गेट नंबर 1। और इधर कुछ माहौल यहाँ पर दोस्तों काफी मस्त, और सब लोग देखिए यहाँ पर लेटे हुए हैं साइड में।
यहाँ से हम लोग चलते हैं अंदर की तरफ, देखते हैं अगर अंदर जाने को मिलेगा तभी दिखाते हैं। लेकिन दोस्तों बहुत खूबसूरत सा एकदम बना हुआ है, देखेंगे तो आप एकदम मस्त हो जाएंगे, इतना खूबसूरत सा बना हुआ है ना जयदीप। तो हम लोग अंदर जा सकते हैं, तो काफी खूबसूरत सा प्रतीक्षालय बना हुआ है, आप लोग देख ही सकते हैं। तो यहाँ से कुछ व्यू ऐसा दिख रहा है दोस्तों, यहाँ से कुछ ऐसा व्यू दिख रहा है। और हम लोग चल रहे हैं गेट नंबर 5 पे प्रतीक्षालय में। तो यहाँ से देखिए काफी मस्त, तो हमारे जीजा जी थक चुके हैं, यहाँ पर आकर बैठ गए, थक ये है तो थक चुके आकर यहाँ पर बैठ गए। यहाँ से आपको व्यू दिखाते हैं काफी सुंदर सा। तो थोड़ा हम चलते हैं अंदर की तरफ। तो दोस्तों कुछ ऐसा व्यू दिख रहा है और काफी मस्त। और देखा जाए प्रतीक्षालय दोस्तों एकदम बहुत सुंदर सा प्रतीक्षालय बना है धाम में, धाम स्टेशन पे, और जहाँ पहले अयोध्या था वो अयोध्या धाम नाम से जाना जाता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ का कुछ ऐसा लुक। तो इस समय हम भी देख लिए यहाँ पर बैठ गए हैं, तो आप लोग ब्लॉग बन रही है और ज़्यादा ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, मिलते हैं। उसके बाद प्रवेश द्वार पे लग रहा है टिकट, जो जाने वालों के लिए टिकट यहाँ पर लगे, मतलब यहाँ पर जाने वाले प्रवेश कर सकते हैं। और देख रहे हैं एकदम पैलेस दोस्तों, काफ़ी पीछे एकदम भीड़ अभी कम है, और यहाँ पर सिर्फ जाने वाले ज़्यादा प्रतीक्षालय में जाने वाले ही जाते हैं प्रवेश द्वार में, उसके जो टिकट जिनके पास रहता है। हम लोग तो बाहर आ चुके थे इसलिए अंदर नहीं गए। तो चलिए देखिए पूरी हम व्यवस्था यहाँ पर, देखिए अंदर पूरा प्रतीक्षालय बना हुआ है। तो 2-3 घंटे जो वेट करते हैं हमारी, उनके लिए प्रतीक्षालय बनाया गया है इधर अंदर में। तो यहाँ से खूब काफी सुंदर सा व्यू देखने को मिलेगा आपको। हनुमान जी यहाँ पर देखिए, हनुमान जी विराजमान है रात में ही। यहाँ जो है इस पथ पे जाएंगे आप तो देखेंगे जय श्री राम, जय श्री राम के नाम से पूरा लाइट एकदम चल रहा है दोस्तों। यही देख लीजिए ऐसे लाइट, ऐसे लाइट पूरा रास्ते में जल रहा है, जय श्री राम नाम से लगा है यहाँ पर। और काफी मस्त व्यू एकदम दोस्तों आ रहा है, देखिए लाइटिंग कितनी अच्छी व्यवस्था की गई है। और यहाँ है वाराणसी बरेली एक्सप्रेस 2 घंटे से, तो यहाँ का व्यू दोस्तों काफी अच्छा एकदम आ रहा है। देखा जाए तो दोस्तों काफी पहले से बहुत ज्यादा एकदम यहाँ पर व्यवस्था कर दी गई है, और सिक्योरिटी की व्यवस्था की, हर जगह कैमरे की व्यवस्था की गई है। देखिए सामने भी कैमरा लगा हुआ है, और लाइटिंग की व्यवस्था देखी जाए तो दोस्तों देखिए ये है पूरी लाइटिंग, यहाँ से कितना सुंदर सा लग रहा है। तो आप आइएगा तो दर्शन जब टहलिएगा जरूर। जो लाइट की व्यवस्था है दोस्तों काफी सुंदर और मस्त किया गया है। तो यहाँ से कुछ लुक ऐसा दिख रहा है स्टेशन का, तो अभी आपको दिखाते हैं स्टेशन का लुक कुछ ऐसे दिख रहा है। और हमें यहाँ की सजावट बहुत अच्छी लग रही है, जैसे लग रहा है कि ये एकदम पूरा बन गया है क्या एयरपोर्ट की एकदम पूरा डिजाइन दे दिया गया इसको। और यहीं से आपको दिखाते हैं पूरा, हम चलते हैं और हमारे पीछे देख रहे हैं जितना लाइट लगा सब लाइटों पर लिखा है जय श्री राम। यहाँ का बैकग्राउंड काफ़ी सुंदर सा और मस्त आ रहा है। तो आप लोग ब्लॉग बन रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते रहिए, और अभी आपको और दिखाते हैं, अब यहाँ से दिखाते हैं आपको कितना अच्छा मस्त व्यू आने वाला है। ये है दोस्तों पूरा स्टेशन की बनावट और ढांचा, तो हम आपको यहाँ से दिखाते हैं पूरा, यहाँ से पूरा अच्छे से पूरा लुक आ रहा है स्टेशन का। यह है दोस्तों रात्रि का कुछ ऐसा डिजाइन दिख रहा है, ऐसा लुक दिख रहा है, और लिखा गया है अयोध्या जंक्शन से अयोध्या से अयोध्या धाम जंक्शन बन गया अभी। और यहाँ से कुछ ऐसा लुक दिख रहा है, तो कितना सुंदर सा लुक दिख रहा है दोस्तों देखने में।
तो चलिए आपको आगे दिखाते हैं। तो यहाँ से काफी मस्त व्यू दिख रहा है दोस्तों, लेकिन अब शाम को हम आएंगे, जब कल आएंगे टहलते टहलते, तब आपको यहाँ का व्यू दिखाएंगे पूरा। अभी तो फिलहाल दोस्तों यहाँ का व्यू कुछ ऐसा ही दिख रहा है, जब दिन में आएंगे पूरा व्यू मस्त सा आपको दिखाएंगे। भेजा यार हिचा था हमारो भेजता तो भागा था, हम तो हार हिचा था ही। तो कुछ ऐसा है। तो हे गाइस, हम पहुंच चुके हैं इस समय अयोध्या धाम, और अयोध्या धाम स्टेशन पे, और देखिए यहाँ का कुछ व्यू ऐसे दिख रहा है, काफी मस्त व्यू। और अरे यार भी तो हम लोग साथ साथ में भी यही रात बरेली एक्सप्रेस से उतरे हुए हैं और चल रहे हैं, अब थोड़ा टहलेंगे। तो है रात को बज रहा है लगभग, देखिए 1:39 हो रहा है और पहुंचे हैं अयोध्या धाम जंक्शन पे, और यहाँ से चल रहे हैं हम लोग बाहर की तरफ। तो आपको वीडियो शूट करके दिखाते हैं अभी। तो यहाँ से देखिए इसी ट्रेन से हम आए थे, अभी ये ट्रेन निकल गई यहाँ से। तो अभी रात्रि का भी हुआ दोस्तों, काफी मस्त लग रहा है, और यहाँ से देखिए एकदम जंक्शन पे बहुत ज्यादा भीड़ भी है। तो आपको दिखाते हैं प्रतीक्षालय में ले चलते हैं। तो गाइज अब इस समय हम लोग पूरा फोटो शूट कर रहे थे, तो आप देख रहे हैं जंक्शन कितना सुंदर सा दिख रहा है, और हम लोग आ चुके हैं लगभग 1 बजे यहाँ आए हैं 1:30 बजे, और तब से ही फोटो शूट कर रहे हैं। अंदर जाने को प्रवेश प्रतीक्षालय में नहीं मिल रहा है दोस्तों, लौटते समय प्रतीक्षालय में जाएंगे और पूरा व्यू प्रतीक्षालय का लेंगे। लगभग रात्रि के 2 बजने वाला है, अभी भी फोटो शूट कर रहे हैं। यहाँ से आपको भी दिखा दें कितना सुंदर सा दिख रहा है, और दोस्तों व्यू काफी सुंदर सा दिख रहा है। तो चलिए आप लोग ब्लॉग बन रहे, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करते रहिए। फिर अभी सुबह जब हम लोग आएंगे तो आपको काफी मस्त व्यू अंदर का पूरा प्रतीक्षालय दिखाएंगे। चलिए आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, और यहाँ से काफी सुंदर सा व्यू दिखेगा आपको।